हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल जीके देखो बाय डीके में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं यू डाइस प्लस पोर्टल से संबंधित एक वीडियो। ये वीडियो आपको जब काम आएगी, जब आपने सभी बच्चों को अपडेट कर दिया है और अपने स्कूल की उच्चतम कक्षा को आपने अपने स्कूल से बाहर निकाल दिया, यानी लेफ्ट कर दिया है। तो उसके बाद हमें सबसे पहले क्या काम करना है, आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो हम यहां लॉगिन कर लेते हैं, चलिए यहां गूगल को देख लेते हैं। और ये गूगल मिल गया है, और ये यू डाइस प्लस सर्च कर लेते हैं, और यहां स्टूडेंट मॉडल पे क्लिक कर लीजिए, फिर यहां कर लीजिए, आप दोनों पर वहीं पहुंच जाएंगे। यहां कर लेते हैं, यहां सेलेक्ट करेंगे आप सबसे पहले अपना राज्य, स्टेट क्या है आपका, जो भी आपका स्टेट होगा। यहाँ गो पे क्लिक करेंगे और यहाँ डाल लेते हैं अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने डाल लिया अपने स्कूल का यूजर आईडी, यानी कि स्कूल का डाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा फिलअप कर दिया है। और यहाँ ब्लू पट्टी पर यहाँ लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज हमारे सामने देखो आ जाएगा। यहाँ दो ईयर लिखे हुए हैं, ऊपर लिखा है 2024-25 और नीचे लिखा है 2023-24। हमें जाना है 2024-25 में, यहाँ क्लिक करेंगे, इस पेज को यहाँ क्लोज पे क्लिक करके हटा देंगे। ठीक है, आपने सारा काम कर लिया है, क्लास को अपडेट कर दिया, प्रत्येक क्लास को। ठीक है, आपने प्रत्येक क्लास को अपडेट कर दिया है। अगर आप 1-5 स्कूल वाले हैं तो आपने 1 को 2 में, 2 को 3 में, 3 को 4 में, 4 को 5 में और 5 को आपने बाहर निकाल दिया है। ये काम आप सब कर चुके हैं। अगर आप 6-8 वाले स्कूल के हैं तो आपने 6 को 7 में, 7 को 8 में और 8 को आपने निकाल दिया है बाहर। ठीक है, तो ये काम करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है देख लीजिए। हम यहाँ जाएंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। ये काम आपको तब करना है जब आपने सभी क्लासेज को अपडेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ जो है कुछ इस प्रकार से हमारे सामने पेज दिखाई देगा आपको यहाँ। ठीक है, यहाँ गो पर जा जाकर हमने सभी क्लास को अपडेट कर दिया। फिर यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4 टैब लिखी हुई हैं। ऊपर क्या लिखा, प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी। मैं आपको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ऊपर लिखा प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। हमें यहाँ क्लिक करना है फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे, यहाँ क्लिक करना है। और ये काम हमें तभी करना है जब हमने सभी क्लासेज को अपडेट कर दिया। अगर एक भी क्लास को आपने फाइनलाइज नहीं किया है तो आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने वाले को कुछ इस प्रकार से हमारे सामने लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रत्येक को देख लीजिए आप, यहाँ लिखा हुआ है फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्रेशन मॉड्यूल। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, द प्रोग्रेशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल, यानी इसके बाद आप किसी बच्चे को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड नंबर है द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेट फॉर योर स्कूल। अब आप इसे करने के बाद आपके लिए इम्पोर्ट भी खुल जाएगा, आप किसी बच्चे को इम्पोर्ट कर सकते हैं। नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट, यानी इसके बाद आप किसी बच्चे को जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, द एक्टिविटीज फॉर द करंट एकेडमिक ईयर विल बी एनेबल फॉर योर स्कूल, यानी एक्टिविटीज फॉर द करंट एकेडमिक ईयर, जो वर्तमान सत्र चल रहा है 23-24 की बात कर रहे हैं, इसमें आगे जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सारी अनेबल हो जाएंगी आपके स्कूल के लिए। वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज बीन मार्क्ड एज कम्प्लीशन, अगर आपने एक बार प्रोग्रेशन मॉड्यूल को मार्क कर दिया कि हमने कंप्लीट कर दिया है, इट विल नॉट बी रीओपन ड्यूरिंग दिस एकेडमिक ईयर, ये फिर दोबारा नहीं खुलेगा इस एकेडमिक ईयर के लिए। यहाँ टिक करेंगे, यहाँ इस बॉक्स पर टिक करेंगे, आई हेयर डिक्लेयर दैट डेट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर एंड इनकन्सिस्टेंसीज, मैं यह घोषणा करता हूँ कि यह डाटा जो है किसी भी प्रकार की गलती से और
असंगत विसंगतियों से मुक्त है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ सबमिट, यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक करने वाले को यहाँ लिखा आ जाएगा स्कूल्स प्रोग्रेशन फाइनल रिजल्ट्स फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 और यहाँ ओके कर देंगे। ठीक है, अब आपके लिए जितने भी कार्य हैं सारे खुल जाएंगे। देखो यहाँ लिखा आ गया है, आप पढ़ लेंगे आसानी से। यहाँ देखो क्या लिखा आ गया है, स्कूल प्रोग्रेशन हैज बीन फाइनलाइज बाई, ये हमारा डाइस कोड है और फाइनल डेट है हमारी 21/7/2024। ठीक है, इस प्रकार से आपको सभी क्लासेज को अपडेट करने के बाद, अपनी उच्चतम क्लास को बाहर निकालने के बाद, आपको अंत में सबसे बाद ये काम करना है। इसके बाद आपका EP, GR, SP, SF सब पूरा करना आपको शुरू हो जाएगा, वरना आपका इम्पोर्ट भी नहीं खुलेगा। आप बच्चे का जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, स्कूल फैसिलिटीज जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं EP, GP और SF उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे और वो भी नहीं खुलेगा। किसी बच्चे को आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी बच्चे को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐड करने का ऑप्शन केवल प्राथमिक विद्यालय में है, वो भी कक्षा एक में है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।